वेलकम टू पुष्पैड एकेडमी। तो इसमें अब हम बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन की। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले का प्रोसेस। इसमें क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन होते हैं और उसका ट्रांसफ़र होता है। गैमेटोजेनेसिस एक टर्म है। गैमेटोजेनेसिस में क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, इसीलिए हमने इसको एक टर्म नेम दे दिया है गैमेटोजेनेसिस। अगर आपसे पूछा जाए गैमेटोजेनेसिस क्या है, तो आप ये लिख सकते हैं कि इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, मतलब इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, गैमेट्स बनते हैं। मेल और फीमेल गैमेट दोनों फॉर्म होते हैं। अब जो मेल गैमेट फॉर्म होते हैं उसका जो फॉर्मेशन है उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और जो फीमेल गैमेट फॉर्म होती है उसका जो फॉर्मेशन है उसको हम बोलते हैं ओजेनेसिस। अब ओजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस ये कैसे, इसका सेल डिवीजन वगैरह कैसे होता है, ये मैं भी आपको आगे आने वाली स्लाइड्स में दिखाऊंगी। जब मेल और फीमेल गैमेट्स देखने में एकदम सिमिलर होते हैं, उसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा मेल गैमेट है कौन सा फीमेल गैमेट है, दोनों मेल और फीमेल गैमेट एक जैसे ही दिखते हैं, उसको हम बोलते हैं आइसोगैमेट्स और होमोगैमेट्स। होमोगैमेट्स जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों क्या है, देखने में सिमिलर हैं। और दूसरा है हेट्रोगैमेट्स। हेट्रोगैमेट्स मतलब जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों मॉर्फोलॉजिकली हम देख सकते हैं उनको, मेल और फीमेल गैमेट आसानी से डिफ्रेंशिएट किए जा सकते हैं कि कौन सा मेल गैमेट है कौन सा फीमेल गैमेट है, दोनों अलग अलग है, उसको हम बोलते हैं हेट्रोगैमेट्स। अब हेट्रोगैमेट्स में जो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं एंथ्रोजॉइड और स्पर्म, और फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को हम बोलते हैं एग और ओवम। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, जो फर्स्ट वाला डायग्राम है वो है आइसोगैमेट्स का, जिसमें मेल गैमेट कौन सा है फीमेल गैमेट्स कौन सा है हम इसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, हम नहीं बता सकते कौन सा मेल गैमेट है और कौन सा फीमेल गैमेट है। ठीक उसी तरह दूसरी जगह जो हेट्रोगैमेट्स है, एक एल्गा का जो फ्यूकस है उसका, इसमें हम आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा मेल गैमेट है और कौन सा फीमेल गैमेट है। जो मेल गैमेट है उसको हम क्या बोल रहे हैं, एंथ्रोजॉइड और स्पर्म, और जो फीमेल गैमेट है उसको हम बोल रहे हैं ओवम और एग। तो इस डायग्राम में जो ये है ये एग है और इसको हम ओवम बोल रहे हैं, और ये है एंथ्रोजॉइड और स्पर्म, और ये भी एक एग्जांपल है होमोसेपियंस का, हेट्रोगैमेट्स का ही एग्जांपल है, ह्यूमन बीइंग्स का एग्जांपल है। ये है ओवम और ये है स्पर्म। अब हम बात करते हैं बाइसेक्सुअल की और यूनिसेक्सुअल की। कोई भी सिंगल ऑर्गेनिजम्स जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों क्या है, प्रेजेंट है, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल गैमेट प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं होमोथैलिक और मोनोइशियस, जैसे कि कोकोनट प्लांट हो गया, उसमें हमको ये देख सकते हैं हम। यूनिसेक्सुअल मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें एक इंडिविजुअल में मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों प्रेजेंट है, अलग अलग गैमेट्स, उसको हम बोलते हैं हेट्रोथैलिक, जैसे कि पपाया। अब अगर आपको इसमें डिफ्रेंशिएट करने को बोल दिया जाए कि बाइसेक्सुअल क्या है और यूनिसेक्सुअल क्या है, आपको कैसे पता चलेगा, तो जो बाइसेक्सुअल है उसमें एक ही ऑर्गेनिज्म, सिंगल ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट होंगे, और जो यूनिसेक्सुअल है उसमें इंडिविजुअल अलग अलग होंगे, ऑर्गेनिजम्स अलग अलग होंगे, जैसे कि एक और इंडिविजुअल है उसके पास मेल गैमेट होगा और दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है उसके पास फीमेल गैमेट होगा, उसको हम बोलते हैं डायोशियस और यूनिसेक्सुअल, और इसको हम हेट्रोथैलिक भी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है पपाया। अब एनिमल्स जिसमें दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है, जैसे कि दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं हर्मेफ्रोडाइट्स। एग्जांपल है इसका अर्थवॉर्म, लीच, टेपवॉर्म। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर्स कौन से हैं जिसमें दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, और मोनेशियस प्लांट कौन से हैं जिसमें सिंगल ऑर्गेनिज्म है और मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों प्रेजेंट है, और डायोसियस प्लांट में सिंगल अलग अलग ऑर्गेनिज्म होंगे, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में सिर्फ अलग डिफरेंट डिफरेंट रिप्रोडक्टिव यूनिट प्रेजेंट होंगे, जैसे कि डायोसियस प्लांट है इसमें ये फीमेल रिप्रोडक्टिव प्लांट है और ये मेल रिप्रोडक्टिव प्लांट है। और एक और इसी तरह डायोसियस का एग्जाम्पल है मार्शेंटिया, मोनोशियस प्लांट का एग्जाम्पल है चारा।
अर्थवर्म हो गया, ये हर्मेफ्रोडाइट्स है, और कॉकरोचेज हो गए, ये यूनिसेक्चुअल है, जैसे कि कॉकरोचेज मेल कॉकरोचेज अलग होते हैं, फीमेल कॉकरोचेज अलग होते हैं। अर्थवर्म यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें दोनों जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है दोनों प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं सेल डिवीजन, जब गैमेट फॉर्मेशन होता है उस टाइम पे जो सेल डिवीजन हो रहे होते हैं हम उसकी बात करते हैं यहाँ पे। जो पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। अब हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स गैमेट्स कैसे प्रोड्यूस करेंगे? माइटोटिक डिवीजन से। माइटोटिक डिवीजन क्या होता है, मियोसिस क्या होगा, ये आपने पहले क्लासेस में भी पढ़ा होगा। माइटोटिक में सिंगल सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है, और मियोसिस में सिंगल सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है, फिर वो दो डॉटर सेल फिर से डिवाइड होते हैं ताकि वो टोटल 4 सेल्स प्रोड्यूस कर सकें। अब जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं वो मियोसिस के अंदर जाते हैं, मतलब उनके अंदर जो डिवीजन होता है वो मियोसिस के थ्रू, मियोसिस वाला डिवीजन होता है, जैसे कि इसको हम बोल सकते हैं मियोसाइट्स, गैमेट मदर सेल्स, जिसके बाद ये गैमेट्स फॉर्म करते हैं। जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स है उनमें ये होता है, लेकिन जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स है उसमें ये थोड़ा डिफरेंट होता है। वो कैसे होता है अभी हम जानते हैं। जैसे कि पहले हम बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस दोनों की बात करते हैं। पहले मैं आपको स्पर्मेटोजेनेसिस एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो जर्म सेल्स हैं पहले वो डिप्लॉयड होंगे, अब उसमें क्या होगा, माइटोसिस होगा, माइटोसिस होगा तो वो डिवाइड होंगे दो डॉटर सेल में, जैसे कि 2n है, फिर वो दो में डिवाइड होंगे n और n। इसको हम इस स्टेज को बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम। ये अभी भी ये डिप्लॉयड है इस टाइम पे। इसके बाद इनमें फिर से माइटोसिस होगा, फिर से ये डिवाइड होंगे, फिर उसके बाद इनमें एक मियोटिक डिवीजन होगा जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और उसके बाद एक और स्टेज आएगी जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब जो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है उसमें उसके बाद जब डिवीजन हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, हमको 4 हैप्लॉइड स्पर्म्स मिल जाएंगे स्पर्मेटोजेनेस में। सेम इसी तरह ओजेनेसिस का प्रोसेस होता है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें डिवीजन हो रहा है लेकिन जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट वाली स्टेज आएगी उसमें 3 पॉलर बॉडी हमारे पास होंगी और एक एग होगा। अभी जो 3 पॉलर बॉडी है ये क्या हो जाएगी, डिजेनरेट हो जाएगी, और फिर ये डिजेनरेट होके जो ओवम है उसको डेवलप करने में हेल्प करेगी। गैमेट ट्रांसफर क्या है, मेल गैमेट्स मोटाइल होते हैं और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्टैटिक होते हैं। जब गैमेट फॉर्मेशन हो जाता है तो मेल और फीमेल गैमेट क्या होते हैं, एक दोनों फिजिकल उनको इकट्ठे लाया जाता है, और उसके बाद उसमें फ्यूजन होता है गैमेट्स का, कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, गैमेट्स का फ्यूजन है, तभी एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा। तो जब गैमेट फॉर्मेशन हो जाएगा मेल और फीमेल गैमेट दोनों को इकट्ठे लाएंगे और दोनों में फ्यूजन होगा तो फर्टिलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो जाइगोट में डेवलप होगा। जो सिंपल प्लांट्स है जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइट्स, स्टेरिडोफाइट्स, ये सब हो गए, इसमें वाटर जो होता है एक मीडियम की तरह एक्ट करता है गैमेट ट्रांसफर के लिए, मतलब वाटर एक ऐसा मीडियम होगा जिसमें गैमेट्स, जिसके थ्रू गैमेट्स क्या है, ट्रांसफर हो पाएंगे। और एंजियोस्पर्म्स जैसे जो हो गए, जैसे पॉलन ग्रेन वगैरह हो गया, ये सब कुछ ट्रांसफर होते हैं एक फ्लावर से जो दूसरा फ्लावर हो गया उसके स्टिग्मा में, इसको हम पॉलिनेशन भी बोलते हैं। तो ये अब हमने बात कर ली है प्री फर्टिलाइजेशन की, ये जो स्टेज हमने अभी पढ़ी है वो सारी क्या थी, ये प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में हमने जाना है। अब नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन और सिंगैमी, जो कि अब हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में।